तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इंडियन साइबर दोस्त के अंदर। और आज हम दरअसल बात करने वाले हैं कुछ एक पांच शेयर के बारे में, जिन शेयर को आप जो है अपने सिस्टम पर अपने अपने सिस्टम के ऊपर अपने पोर्टफोलियो में आप बाय कर सकते हैं उनको। और उन शेयर्स का मतलब ये है कि आप एक उन शेयर का लेने का मतलब ये होगा कि आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर जो है चले जाएंगे। 2023 के लिए मैं कुछ अच्छे शेयर बताने जा रहा हूँ आज। और आज की इस लिस्ट में मेरे पास जो है पांच शेयर हैं। बट उससे पहले थोड़ी देर अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी ने दो मौके, दो SL जो है हिट कर दिए हैं 5 EMA के ऊपर। देखिए चलता है ये, क्योंकि कुछ दिन आपको प्रॉफिट होगा और कुछ दिन आपको लॉस भी सहना पड़ सकता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहला जो शेयर होगा वो होगा बजाज फाइनेंस का। ये आपको अपने पोर्टफोलियो में एज आप जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको जो है ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो ये डेली बेसिस पर करेंगे, और डेली के अंदर अभी थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा है इसके अंदर देखने को मिल सकती है आप सभी को। बट इसने लंबे समय से हालांकि एक अच्छा रिटर्न जो है दिया है, 20 से ये देखिए 22 तक का रिटर्न इसने अच्छा दिया है। अभी ये थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, बट अगली रैली इसकी जैसे ही आएगी वो आप देखने को मिल सकती है आपको बड़ी अच्छी। और ये देखिए दोस्तों, इसके ऑल ओवर जो मंथली है वो किस प्रकार से इसने शेयर ने जो परफॉर्म किया है, आगे भी हो सकता है ये कुछ इसी प्रकार से चले। और दूसरा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक बड़ी अच्छी एक ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है, और आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे तब जाकर आप धीरे 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 जो है ग्रोथ कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने ऑप्शन से बचाया हुआ पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और दूसरी दूसरा जो शेयर जिसकी हम बात करेंगे वो है SBIN। ये SBI बैंक एक अच्छी खासी एक जोन से निकला हुआ है। अगर आप इसे मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करूँगा मैं, तो ये देखिए ये एक जोन से निकला हुआ शेयर है, और अभी ये अपनी अपने हाई की तरफ और अपने एक अच्छी खासी मूवमेंट को एक कैप्चर करने के लिए ये शेयर जो है अच्छा है। और हो सकता है 2023 में ये शेयर जो है अच्छा परफॉर्म कर दे। और इसके बाद जो शेयर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो वन एंड ओनली एंड रिलायंस होगा, क्योंकि रिलायंस दोस्तों आपको पता ही है कि अभी जैसे सभी इसका कुछ चेंज हुए हैं, और ये 5G लेकर आया है, रिलायंस 5G लेकर आया है इंडिया में। और आपको आने वाले समय में नए नए जो हैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो रिलायंस का सेक्टर जो है, और ये एक शेयर ऐसा है कि जिसको आपकी पोर्टफोलियो में ये शेयर होना ही चाहिए दोस्तों। और चलिए लास्ट की बात करते हैं, तो बिस्किट सभी खाते हैं, ये यहीं से याद आता है बिस्किट से ही। और आप देख सकते हैं इसने बड़ा अच्छा, ये अभी जोन में चल रहा है, तो हो सकता है 2023 के आसपास ये एक अपनी इस जोन से निकल कर जो है एक अच्छा मूवमेंट जो है दिखा दे। तो इस मूवमेंट के साथ साथ ये एक लॉन्ग बुल रन में जाने वाला है दोस्तों, और आप इसके इन शेयर को जो है अपने साथ रखिए, अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखिए। चाहे तो SIP शुरू कीजिए, SIP के अंदर नहीं मतलब कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाइए, बट किसी शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट करते जाइए, रिलायंस हो, एक्सिस हो। मैं जल्द ही कुछ और ऐसे एक थोड़े मीडियम टर्म के शेयर लेकर आऊँगा, जिन्हें आप 3 मंथ से 6 मंथ तक अपना एक एंट्री और बाय जो है बाय कर सकते हैं, और वो होल्डिंग रख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो छोटी सी रहेगी दोस्तों, इसके बाद अभी हम लाइव करने वाले हैं, तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नई नई खबरें यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।